जीत अखंड जो हमारा जो जो यहाँ पे जो भी प्रपंच रचा गया था चंदन क्यारी में, उसको जनता ने दरकिनार किया है। पाखंड का अंत हुआ है, अहंकार का अंत हुआ है और वापस चंदन क्यारी में जिता करके चंदन क्यारी ने विकास के साथ अपना साथ देने का वचन निभाया है। निश्चित रूप से चंदन क्यारी की जीत आने वाले 5 साल में चंदन क्यारी के विकास की गति को और तीव्र लेकर के जाएगी और चंदन क्यारी को अपना नया मुकाम तक पहुँचाएगी। जो गति आगे बढ़ी है उसका साथ दिया है और सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए चंदन क्यारी में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। इसके लिए चंदन क्यारी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस चंदन क्यारी ने उस विकास के जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया गया है उसको भी एक्सेप्ट किया है, जिसका परिणाम है चंदन क्यारी। 65 पार का जो नारा था मंत्री जी, उसका अभी इंतजार कीजिए, लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से विपक्ष का ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरह से गठबंधन बना है, उस हिसाब से आज जनता के बीच में हम लोग पहुँचे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजों का फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे इसमें क्या हुआ, क्या कमी हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के साथ पिछले 5 साल तक बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी के साथ पूरे झारखंड का सेवा किया है और उस विकास के बुनियाद पर ही पूरी ताकत के साथ हम लोग मैदान पर थे। एक तरफ सारे विपक्षी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के नारे के साथ एक तरफ लड़ी है और मुझे पूर्ण विश्वास है अभी भी कि जो अंतिम नतीजे आएंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।